मुहर्रम के जुलूस में फिलिस्तीनी का झंडा लहराया। सोमवार को दरभंगा जिला मुहर्रम कमेटी के द्वारा मिट्टी लाने के लिए जुलूस निकाला गया था। उसी क्रम में कीलाघाट स्थित जिला मुहर्रम कमेटी कार्यालय के सामने जुलूस में कुछ युवकों ने इस्लामिक झंडे के साथ साथ फिलिस्तीनी का झंडा भी लहराने लगे। जब मामले का वीडियो वायरल हुआ तो पुलिस हरकत में आई और मुहर्रम कमेटी के सदस्यों से पूछताछ कर रही है। वहीं दरभंगा के वरीय पुलिस अधीक्षक जगन्नाथ रेड्डी का कहना है कि मीडिया के माध्यम से वीडियो प्राप्त हुआ है। इस वीडियो की आज का जिम्मा सदर एसडीओपी अमित कुमार को दिया गया है। वहीं उन्होंने कहा कि वीडियो में जुलूस के दौरान विभिन्न प्रकार का झंडा दिख रहा है। जांच के बाद दोषियों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी। मिली जानकारी के मुताबिक फिलिस्तीनी के झंडे के साथ समर्थन कर रहे हैं युवक ने टी शर्ट पहन रखी है। वहीं दरभंगा जिला मुहर्रम कमेटी के अध्यक्ष डॉक्टर मुन्ना खान ने पुष्टि करते हुए कहा कि नजर पड़ते ही झंडे को जब्त कर लिया गया था। यह घटना मुहर्रम के एक दिन पहले मिट्टी लाने के रस्म के दौरान की है। हालांकि वायरल वीडियो की पुष्टि एनटीवी टाइम नहीं करता। बिहार से राहुल कुमार, प्रियदर्शी की रिपोर्ट। खबरें तो देश से बहुत आती हैं, लेकिन कुछ खबरें दिन भर की सुर्खियां बन जाती हैं। दिन की हर सुर्खी का निकलेगा निचोड़, हर खबर को पेश करेंगे बिना तोड़ मरोड़। एनटीवी टाइम, जनता की बात जनता के साथ।